topic today session. Today we are going to see the clipping algorithms. Okay, what we are going to see? The clipping algorithms. So basically clipping ka matlab kya hota hai? So clipping matlab kya hota hai ki we'll have one window, theek hai? So now whenever we take any photos, कोई फोटोज लेते हैं, उस फोटो को हम एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्रॉप एक ऑप्शन होता है. इन दैट क्रॉप वी आर गेटिंग समथिंग लाइक ऐसे कुछ तो एक विंडो मिलता है, राइट. तो ये जो विंडोज होते हैं ना, इस विंडो में ही आपकी इमेजेस जो आता है उतना ही कट किया जाता है, राइट. सो वेदर इट्स अ इमेज और इट्स अ लाइन, वॉट एवर इट इज, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लिपिंग. क्लिपिंग का मतलब क्या है कि कट करना, ठीक है, कटिंग द इमेज, फाइन. उसे कहते हैं हम क्लिपिंग, ठीक है. सो नाउ तो ये क्लिपिंग कहाँ पे करते हैं हम, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लाइन विच आर आउटसाइड द विंडो. मतलब कैसा है कि हमारे पास एक लाइन है, लेट्स से विल हैव दिस वन लाइन, फाइन, ये अपने पास एक लाइन है. तो इस लाइन के लिए जब हम क्लिपिंग अप्लाई करते हैं तो मतलब क्या होता है कि ये पर्टिकुलर इज द विंडो, ठीक है, ये जो अपना विंडो है ना, इस विंडो के अंदर ही इनसाइड ही कितना जो कुछ भी लाइन आ रहा है उतना ही लाइन मुझे चाहिए. सो बाकी का लाइन हम निकाल के देने वाले, ठीक है, मीन्स वॉट वी आर गेटिंग दिस मच ऑफ लाइन ओनली, फाइन. सो ये जो अपना ये है, सो वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ फाइनल आउटपुट. तो ये जो लाइन था ये लाइन हमने निकाल दिया, ठीक है, इसको कट कर देना, इसको क्लिप कर देना. सो फाइनल इमेज कितना बन रहा है अपना, दिस इज आवर फाइनल इमेज. सो इसे क्या कहते हैं, जो आउटसाइड द विंडो जो कुछ भी आ रहा है हमारे पास उसको कहते हैं हम क्लिपिंग परफॉर्म करना, ठीक है, क्लिपिंग, फाइन. सो सी अभी देखो होता कैसा है, जब हम क्लिपिंग करने जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होता है अपने पास, तो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसको भी हम क्या कहते हैं, क्लिपिंग. मतलब देखो कैसा होता है, सो लेट्स से विल हैव दिस वन ट्रायंगल, ठीक है, अपने पास एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में दिस ट्रायंगल इज बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर विंडो, सी दिस इज आवर विंडो, ठीक है, ये अपना विंडो है, फाइन. तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो अपना ऑब्जेक्ट है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम क्या करना चाहते हैं, क्लिप करना चाहते हैं, ठीक है, इस क्या कहते हैं हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द क्लिपिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट ट्रायंगल. सो इसको क्या कहते हैं फिर हम, व्हाट वी कॉल इट एज, इसे कहते हैं क्लिप विंडो, फाइन, क्या कहेंगे इसको, क्लिप विंडो कहते हैं. सो नाउ दिस इज आवर क्लिप विंडो. And what we are going to do? We are going to perform the clipping on this object. So, after performing the clipping on this object, so what we'll get? So, let's say कि हमने इसको clip किया. तो clip करने के बाद we are getting this is image. ठीक है? So, कैसा हो गया? So, before performing the, ये क्या हो गया? Before image. Right? ठीक है? ये before image हो गया. And this one is आफ्टर इमेज, ठीक है, आफ्टर इमेज यानी कि क्या, आफ्टर परफॉर्मिंग द क्लिपिंग ऑपरेशन ऑन द विंडो, ठीक है, यानी कि हमें मिल कितना रहा है, वी आर गेटिंग ओनली दिस मच ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इस ये जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रहा अपना आफ्टर परफॉर्मिंग द क्लिपिंग का. सो दिस इज आर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, फाइन, यहाँ तक ठीक है. सो देखो नेक्स्ट क्या है, तो ये जो हम क्लिपिंग कर रहे हैं, तो क्लिपिंग में हमने क्या देख लिया कि भाई क्लिपिंग के लिए एक होता है अपना क्लिप विंडो, राइट. सो दिस इज आर क्लिप विंडो, फाइन, एक होता है क्लिप विंडो, देन उसके बाद होता है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट पे जब हम क्लिपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वी आर गेटिंग दिस इमेज,
राइट। सो एक्चुअल इमेज क्या है, ये वाला एक्चुअल इमेज मिल रहा है, ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग द क्लिपिंग ऑन ऑब्जेक्ट, राइट, ये हो गया। सो सी नाउ, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो उसके बाद देयर विल द टू कैटेगरीज फॉर क्लिपिंग, ठीक है। सो उसमें आता है, फर्स्ट वन इज व्हाट आर लाइन क्लिपिंग, फाइन, देन उसके बाद वी आर गेटिंग द पॉइंट क्लिपिंग, फाइन। ये दो चीजें, दीज आर दी टू कैटेगरीज। सो देखो ना, थोड़ा सा ध्यान दो अभी कैसे होता है ना। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम पॉइंट क्लिपिंग, ठीक है, बिकॉज लाइन जब भी बनता है ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स जब हम एक साथ मिलाते हैं, एट द टाइम आर गेटिंग वन सिंगल लाइन, राइट। सो उससे पहले क्या देखना जरूरी है, पॉइंट क्लिपिंग देखना जरूरी है, ठीक है। सो इन द टू कैटेगरीज विल हैव द फर्स्ट वन इज पॉइंट क्लिपिंग एंड देन लाइन क्लिपिंग, ऐसे कंसीडर करो, ठीक है। सो नाउ सी गाइस, सो दिस इज व्हाट विल हैव आर एक्स एंड वाई एक्सेस एज यूजुअल, जो हमेशा यूज करने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ये चीज होता ही है, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सेस। सो नाउ लेट्स से विल हैव वन पॉइंट, ठीक है, ये अपने पास एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट वेदर वी नीड टू चेक वेदर दैट पॉइंट इज बिलोंग्स टू द विंडो और आउटसाइड द विंडो, ठीक है, ये चीज चेक करना है। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग देन, सो हमें यहाँ पे चाहिए एक विंडो, राइट, ठीक है, ये रहा अपने विंडो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आर क्लिपिंग विंडो, ठीक है, सिंपली कॉल इट्स अ क्लिप विंडो, फाइन। तो ये बन गया अपना क्लिप विंडो, एंड दिस इज व्हाट आर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट, फाइन। सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इफ आई वॉन्ट्स टू परफॉर्म द क्लिपिंग, सो वी नीड टू चेक वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज इन साइड द विंडो और आउटसाइड द विंडो, राइट, ये चीज़ें चेक करना पड़ेगा। देन हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट पॉइंट, राइट, ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सी दिस इज वॉट, दिस इज आर एक्स एक्सिस, फाइन, ठीक है, एंड दिस इज आर वाई एक्सिस, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो, अभी हम जो बता रहे ना वो इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से बता रहे, ठीक है, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोग्राम, उसके लिए भी काम में आएंगे। सी नाउ अभी हमें क्या करना है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दिस विंडो और नॉट, वी नीड टू चेक दैट वन, दैट्स इट, दैट वन, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो सी हियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई क्या कि यहाँ पे जो लाइन मिल रहा है मुझे, सो इस लाइन का एक्स एंड वाई एक्सिस पे नीड टू फाइंड आउट, राइट, तो एक्स एंड वाई तो मिल गया, सो वहाँ पे फिर से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स मैक्सिमम एंड वाई मैक्सिमम, राइट। सो ये चीज़ हो गया। तो देखो यहाँ पे इन दिस वे वी नीड टू आइडेंटिफाई, तो ये क्या बन रहा है अपना, एक एक्स मैक्स एंड वाई मैक्स हम चेक कर रहे हैं। सो सी हियर, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज आर एक्स एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ पे वी आर गेटिंग आर एक्स विंडो मिनिमम, राइट, ठीक है, एक्स विंडो मिनिमम मिल गया मुझे, फाइन। और ये मेरा क्या रहेगा देन, एक्स विंडो मैक्सिमम, राइट, ठीक है, एंड देन उसके बाद ना वी नीड टू फाइंड आउट दी वाई एक्सिस थिंग्स, राइट, ठीक है, तो मुझे वाई एक्सिस के लिए भी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू आइडेंटिफाई दी वाई विंडो मीन, राइट, और ये रहा अपना वाई विंडो मैक्स, राइट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये वाई मीन और डब्ल्यू मीन, सॉरी एक्स मीन, ये क्या है, देखो जब भी हम ये विंडो देखेंगे तो इस विंडो को टोटल कितना साइज है मुझे ये चाहिए, राइट, सिंपल सा है,
तो यहाँ पे हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट विंडो, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे मिल रहा है मुझे, सो वी आर गेटिंग द पॉइंट लाइक समवेयर हियर राइट. तो एक्स एक्सिस पे पहले मिल रहा है ना, यहाँ से कैसे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दिस वे राइट. एक्स तो एक्स मिन बन गया मेरा यहाँ पे, लेट्स से इट्स अ 3 ठीक है. फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 8 सो लेट्स से दिस इज 8 राइट ठीक है. सो नाउ लेट्स से हियर, सो नाउ दिस इज द वाई एक्सिस राइट. तो वाई एक्सिस ऐसे बढ़ती जाता है 1 2 3 4 राइट. सो नाउ लेट्स से दिस इज द 4 देन 5 6 7 8 सो नाउ दिस इज द 8 ठीक है. तो ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स राइट. तो मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरा विंडो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन दिस वे राइट. सही है ना, कि यहाँ पे एक्स डब्ल्यू मीन मिल गया मुझे और एक्स डब्ल्यू मैक्स मिल गया, वाई डब्ल्यू मीन मिल गया एंड वाई डब्ल्यू मैक्स मिल गया राइट. सो नाउ वंस आई गेट दिस विंडो विद इट्स कोऑर्डिनेट्स राइट, सो मुझे क्या चेक करना है, सो वेदर ना उसके बाद वेदर द ऑब्जेक्ट belongs to or inside the window, ठीक ही नहीं है, चेक करना है मुझे राइट फाइन. ये मुझे चेक करना पड़ेगा राइट. तो ये कैसे चेक करेंगे देन, सिंपल है, सी हियर हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई. सो नाउ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमने डॉट बोला था, ये डॉट क्या है, उसके भी कोऑर्डिनेट्स रहने वाले एक्स एंड वाई राइट. तो वॉट वी नीड टू चेक देन हियर, सो भाई वी नीड टू चेक दिस एक्स डब्ल्यू मीन शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू मेरा एक्स होना चाहिए ठीक है. एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स डब्ल्यू मैक्स होना चाहिए राइट. यानी कि क्या हो गया, इसका जो एक्स ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए राइट. एक्स डब्ल्यू मीन से बड़ा होना चाहिए, सो दिस इज द वॉट, ये बड़ा मिल रहा मुझे राइट. द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, सो लेट्स कंसिडर द 4, दिस द 3 देन 4 एंड देन 5, सो लेट्स कंसिडर ये मेरा 5 मिल रहा है राइट. 5x है मेरा, देन यहाँ से जा रहे 4 देन 5 देन 6, सो लेट्स से 6 इज माई वाई राइट. तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो एक्स डब्ल्यू मीन क्या बोला था हमने, 3 पे मिल रहा है मुझे, सो 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 राइट. देन लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, 8 राइट. एक्स मैक्स इज माई 8, तो ये इक्वेशन पड़ जाता है ऐसे राइट. सो ये इक्वेशन हो गया इन दिस राइट, सही है ना. सो ना इसका मतलब क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट तो ये इनसाइड दिस विंडो है राइट. सो आफ्टर दैट वॉट वी नीड टू चेक, वी नीड टू चेक वेदर द वाई कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यूज है वो भी इनसाइड दिस विंडो होने चाहिए. तो वो कैसे चेक करेंगे, वाई डब्ल्यू मीन शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू वाई डब्ल्यू मैक्स राइट ठीक है. सो नाउ लेट्स राइट दिस इक्वेशन हियर, तो कैसे लिखेंगे हम, लेट्स सी. सो वाई डब्ल्यू मीन क्या है, मिनिमम क्या है वाई का, मेरे पास 4 है, दैट 4 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या है मेरा वाई का, वाई ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 6 एंड लेस देन इक्वल्स टू क्या है आगे नेक्स्ट वाई मैक्स. सो वाई मैक्स कितना है मेरा 8 राइट. सो यहाँ पे देखो, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ठीक है, ये इक्वेशन अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, दिस ऑब्जेक्ट एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर 5 एंड 6 राइट. सो 5 इज बिलोंग्स टू एक्स एंड 6 इज बिलोंग्स टू वाई ठीक है. तो ये उसकी कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे एंड दिस कोऑर्डिनेट्स शुड बी सेटिस्फाई दिस कंडीशंस, और यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स दैट यहाँ पे दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द विंडो राइट. समझ में आ रहा है. सो ये हो गया अपना पॉइंट क्लिपिंग राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन आर पॉइंट क्लिपिंग फाइन. सो
उसके बाद विल सी दी लाइन क्लिपिंग. पॉइंट क्लिपिंग समझ में आ गया होगा गाइस. सो लेट्स से द लाइन क्लिपिंग. देखो पॉइंट क्लिपिंग समझ में आ गया, यानी कि लाइन क्लिपिंग भी समझ में आएगी आएगा. सो सी द थिंग इज व्हाट वी शुड हैव दिस सेम डायग्राम राइट. ठीक है, लेट्स टेक दिस डायग्राम. सो यहाँ पे क्या है नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी द सेकेंड वन इज लाइन क्लिपिंग. फाइन, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है. सो नाउ हियर इंस्टेड ऑफ दिस डॉट ऑब्जेक्ट राइट, डॉट ऑब्जेक्ट के बजाय व्हाट विल हैव, विल हैव वन सिंपल लाइन राइट. एक मेरे पास यहाँ से ऐसे लाइन रहने वाली. फाइन, सो अब जब ये लाइन रहेगा सो वो कैसे रहेंगे राइट, वी नीड टू चेक दैट वन ऑल्सो. सो सी देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द लाइन क्लिपिंग, तो वो कैसे रहने वाले. सो नाउ लेट्स से दिस इज आर विंडो. इन दिस विंडो विल हैव वन लाइन फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक है, एक लाइन यहाँ पे है. एंड लेट्स से विल हैव वन लाइन टू दिस साइड. एंड लेट्स से विल हैव वन लाइन एट दिस साइड. ठीक है, सो नाउ दिस इज आर ए लाइन, दिस इज आर बी लाइन. ठीक है, एंड दिस इज आर सी लाइन. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ऐसे तीन लाइन है. फाइन, सो सी नाउ व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई यहाँ पे. सो मेरे पास यहाँ पे विंडो भी है और उस विंडो के एक्स डब्ल्यू मीन एक्स डब्ल्यू मैक्स, वाई डब्ल्यू मीन एंड वाई डब्ल्यू मैक्स, ये सारी भी चीज़ें. इट मीन्स विल हैव द क्लिप विंडो एंड दिस ऑब्जेक्ट्स. नाउ हियर विल हैव द थ्री ऑब्जेक्ट्स राइट. सो थ्री ऑब्जेक्ट्स विल हैव यू. फाइन, थ्री ऑब्जेक्ट्स. सो ना अगर मेरे पास थ्री ऑब्जेक्ट्स है तो यहाँ पे इफ यू सी हियर, तो एक इनसाइड है, एक आउटसाइड, एक पार्शियल है. इट मीन्स व्हाट विल हैव द थ्री कैटेगरीज. फाइन, मेरे पास क्या है थ्री कैटेगरीज ऑफ लाइंस. फाइन, अभी थ्री कैटेगरीज कैसे रहने वाले हैं. सो देखो फर्स्ट फर्स्ट जो ए लाइन है, लाइन ए इनसाइड इनसाइड द क्लिप विंडो राइट. ये बन गया एक हमारा. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी. एंड देन सेकेंड क्या है, लाइन बी. सो लाइन बी कैसा है, दिस लाइन बी इज पार्शियली इनसाइड द विंडो राइट. देन थर्ड लाइन सी कैसा है हमारे पास, लाइन सी इज आउटसाइड द विंडो राइट. ये मेरे पास थ्री कैटेगरीज बन रहे मेरे लाइन्स की. ठीक है, यानी कि क्या है कि लाइन ए, लाइन ए इनसाइड दिस क्लिप विंडो है, लाइन बी पार्शियली है, से लाइन सी आउटसाइड द विंडो है. तो ये तीन मेरे पास कैटेगरीज बन रहे राइट. यहाँ तक तो ठीक था. वेयर इन दिस डायग्राम, वेयर इन द पॉइंट क्लिपिंग, पॉइंट क्लिपिंग में एक ही पॉइंट था, हम वी कैन इजिली आइडेंटिफाई राइट. ठीक है, एक ही पॉइंट होता तो हम ये भी फाइंड आउट कर लेते कि इनसाइड है आउटसाइड है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विल हैव द कंप्लीट लाइंस. सो अगर इफ विल हैव द लाइन तो कैसे करेंगे, तो इसको कैसे कहा जाता है, इनसाइड द विंडो जो है उस चीज़ को कहा जाता है विजिबल लाइन राइट. फाइन, तो हमने क्या बताया था कि क्लिप विंडो है, क्लिप विंडो के अंदर जो कुछ भी रहेगा दैट इज विजिबल लाइन. सो उसके बाद क्या है, पार्शियल विजिबल लाइन राइट. देन उसके बाद क्या मिल रहा है मुझे, आउटसाइड और नॉन विजिबल लाइन. फाइन, ये चीज़ें, तो ये तीन चीज़ें हमने देख ली. सो ना हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस देन राइट, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट, ये भी तो चेक करना पड़ेगा. तो उसके लिए वी नीड टू चेक कोहेन सुपरलाइन अल्गोरिदम. फाइन, दिस इज द अल्गोरिदम जो यूज किया जाता है फॉर दी
लाइन क्लिपिंग, ठीक है ना। ये कोइंसिडेंट है लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। अभी हमको ये देखना है। सो सी, सो इफ यू हैव द सिंगल ऑब्जेक्ट देन इट्स अ फाइन, बट इफ यू हैव दिस लाइंस तो हमें क्या करना पड़ेगा। इस लाइन अगर है मेरे पास तो इस लाइन के लिए वी नीड टू यूज द कोइंसिडेंट लाइन एल्गोरिथम फॉर द लाइन क्लिपिंग, फाइन। तो वहां पे फिर से कैसे करना पड़ेगा। नाउ हियर सी गाइस, वी विल हैव दिस लाइन, तो हर एक लाइन के एक 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 पिक्सल्स हम चेक नहीं करने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू चेक द पिक्सल्स, राइट। तो एक लाइन है तो उस लाइन्स के ऑब्वियसली विल हैव दिस एंड पॉइंट्स, राइट। ये एंड पॉइंट्स होते हैं मेरे पास, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, राइट। ये मेरे पास एंड पॉइंट्स है, सो व्हाट वी नीड टू चेक, वी नीड टू चेक the end points of the line, ठीक है। क्या चेक करना पड़ता है, एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। तो एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमें मालूम है ईच लाइन हैज अ फोर पॉइंट्स, राइट। यानी कि क्या है हमारे पास, x1 y1 एंड x2 y2, राइट। ये चीजें मिलते हैं मुझे। सो नाउ हियर इस लाइंस वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द एंड पॉइंट्स, राइट, x1 y1 एंड x2 y2। सो ना देखो, अगर मुझे एक बार एंड पॉइंट्स मिल गए, सो ये एंड पॉइंट्स जब मिलेंगे तो मैं हर एक पॉइंट्स के लिए क्या ना अप्लाई दिस लॉजिक, राइट। ये मैं लॉजिक अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तक फाइन है। सो सी, एक चीज मिल गया हमें कि वी कैन इजीली अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। देखो यहाँ पे इसका एंड पॉइंट्स यहाँ पे है, चलो मिल गया पार्शियली विजिबल, तो फिर ये जो है ना इतना लाइन तो विजिबल है बी का, तो विजिबल लाइन हम कैसे क्लिप करेंगे देन, हाउ टू क्लिप दैट लाइन, राइट। ये चीज आ जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वी नीड टू चेक the windows intersection of that line, इस विंडो पे कहाँ पे वो क्रॉस कर रहा है, वी नीड टू चेक दैट पॉइंट, राइट। तो उसे आइडेंटिफाई करके फिर से उसको क्लिपिंग करना पड़ेगा, राइट। तो वो सारी चीजें बताया गया है कोहेन-सदर लाइन एल्गोरिथम फॉर द लाइन क्लिपिंग, ठीक है। तो कैसे किया जाता है, सो सी हियर इन दिस एल्गोरिथम दे आर गोइंग टू यूज द आउटकोर्स। आउटकोर्स यूज किया जाता है, ठीक है। आउटकोर्स का मतलब क्या है, सो आउटकोर्स मतलब क्या है, इट्स अ 4-bit कोड फॉर ईच रीजन, और ये रीजन का मतलब क्या है, राइट ऐसा आएगा। सो सी अभी होता कैसे, आई एक्सप्लेन, सुना दे, थोड़ा सा ध्यान दो। नाउ विल हैव दिस टू लाइन्स, फाइन। और यहाँ पे इफ आई मेक द विंडो इन दिस वे, कैसे मैं विंडो बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, दिस इज माई विंडो। और यहाँ पे जो मिल रहा है ना मुझे ये वाला चीज, दिस इज वॉट माई एक्चुअली क्लिप विंडो, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लिप विंडो। सो उन्होंने क्या बताया, दे हैव गिवन दी आउटकोर्स फॉर ईच रीजन, ठीक है। सो रीजन का मतलब क्या है, सो ये एक 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 जो पार्ट्स मिल रहे ना मुझे, इसे रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो हर एक रीजन को उन्होंने क्या दिया, आउटकोर दिया है। सो आउटकोर का मतलब क्या हो गया, लेट से यहाँ पे ना यार भी ना हो गया 0000, तो 4-bit का उन्होंने 0000 ऐसे एक विंडो दे दिया, सॉरी आउटकोर दे दिया, ठीक है। सो ना ये आउटकोड मिलने के बाद अगर मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के आउटकोर्स दोनों एंड पॉइंट्स आउटकोर्स अगर 0-0 ही है तो क्या कहेंगे, द लाइन इज कम्प्लीटली विजिबल, राइट। चल सी द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो पहले विल सी दिस आउटकोर्स, ठीक है। यहाँ पे 0-0-0 हो गया, तो कहता है कि 0-0-0 इज द क्लिप विंडो आउटकोर्स, अगर
लाइन अबव दिस विंडो है, ठीक है, तो वहाँ पे उसके बिट्स करो 1000, ठीक है, ये उसका आउटपुट हो गया। और अगर बिलो द विंडो है तो रहेगा 0100, राइट। देन अगर आपका लाइन लेफ्ट हैंड साइड में है सो 0001, फाइन। एंड देन आपका विंडो अगर राइट हैंड साइड में है, सॉरी ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में है तो 0010 इज द आउट कोर्स। सो दिस आर नथिंग बट द आउट कोर्स, फाइन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आउट कोड कहते हैं। तो आउट कोड हम कैसे यूज करने वाले हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये मिल गया, तो हाउ टू आइडेंटिफाई आउट कोड फॉर दिस लाइन्स, राइट। इसके लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। सो उसके लिए क्या हो जाएगा, सी वॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू परफॉर्म दी और ऑपरेशन, वॉट और ऑपरेशन ऑफ द आउट कोर्स, ठीक है। तो कौन से, सो लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, राइट, आई वॉन्ट टू आउट कोर्स फॉर हियर, सो वॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक द ऑरिंग ऑफ दिस टू, ठीक है। तो ऑरिंग कैसे हो जाएगा, 1000, देन 0001। तो इसका और कैसे बनने वाला है, और ऑपरेशन देखा होगा आपने, एंड और, सो और अगर करना है तो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एडिशन, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे विल गेट द 1001 इज द आउटपुट, राइट। तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, 1001, फाइन। देन उसके बाद आई नीड द आउटकोड फॉर दिस वन, इसके लिए चाहिए मुझे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू परफॉर्म द ऑरिंग ऑफ दिस टू रीजन्स, राइट। ये दो रीजन का मुझे ऑरिंग करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे हम, 0001 देन 0100, राइट। तो इसका ये कैसे रहेगा, 0001, राइट। सो ये बन गया अपना आउटकोड, राइट। ये क्या है मेरा आउटकोड, फॉर विच रीजन, फॉर दिस रीजन 0101, राइट। यहाँ पे ये बन गया, फाइन। तो उसके बाद नाउ आई वॉन्ट्स टू आइडेंटिफाई द रीजन कोड फॉर दिस, इसके लिए चाहिए मुझे, तो इसके लिए कैसे करेंगे, देन सिंपल 1000 0010, देन इसका और क्या हो जाएगा, 1010, राइट। तो यहाँ पे बन गया आपका 1010, फाइन। सो अभी इसका मुझे आउटपुट चाहिए, तो इसका आउटपुट हम कैसे लेंगे, सो वी नीड टू परफॉर्म दी और ऑपरेशन ऑफ दिस टू रीजन्स, सो नाउ हियर 0010 0100 0110, तो यहाँ पे बन गया आपका 0110। सो इन दिस वे विल आइडेंटिफाई द आउटकोड्स फॉर द अदर रीजन्स ऑल्सो, फाइन। तो यहाँ पे हम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस आउटकोड्स विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। बट यहाँ पे होप एवरीवन इज गेटिंग कि यहाँ पे हम कैसे ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, फाइन, ओके। सो नाउ इन दिस वे दिस इज व्हाट वी हैव सीन टुडे, क्लिपिंग देखा हमने, उसमें पॉइंट क्लिपिंग देखा, लाइन क्लिपिंग देखा। तो पर्टिकुलर यहाँ पे क्लिप विंडो क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इनसाइड द रीजन कैसे है, इनसाइड द क्लिपिंग विंडो कैसे आता है, इसके लिए हमने ये इक्वेशन देखा। देन लाइन क्लिपिंग देखा हमने, उस लाइन क्लिपिंग में ये वाला, तो उसकी तीन कैटेगरीज कैसे है, वी हैव सीन दिस वन, टू परफॉर्म द क्लिपिंग फॉर द लाइन्स वी नीड टू गो फॉर द कोहेन सदरलैंड एल्गोरिदम, राइट। तो ये कोहेन सदरलैंड एल्गोरिदम्स विल वर्क ऑन द आउट कोर्स, दैट इज द 4-bit आउट कोड। तो हमने जस्ट टूडे वी हैव सीन दिस आउट कोर्स, तो हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस आउट कोर्स फॉर द क्लिपिंग पर्पज, वील सी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।